स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 32 से आगे दो नंबर। देखो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, 32 के बाद कौन सा नंबर आता है? 33। कैसे पढ़ेंगे? 33। उसके बाद 34। तो ये हो गया नंबर 33, ये हो गया नंबर 34। तो इसको अभी हम क्या करेंगे? बुक में लिखेंगे ना। तो चलो आप लोग सब अपनी बुक निकालो, मैथ्स की क्लास वर्क की बुक निकालो, और मैं क्या करूंगी, बॉक्स बनाऊंगी। ये बन गए मेरे बॉक्स। सबने बुक निकाल ली। ओके, तो चलो लिखना स्टार्ट करेंगे ना। सबसे ऊपर बॉक्स में क्या बनाएंगे? TO। एंड दूसरे नंबर के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो डॉट एंड TO। चलो अभी हम जो नंबर लिख रहे हैं वो है 32 के बाद जो दो नंबर आते हैं वो। 32 के बाद आता है 33। 33 में दोनों ही बॉक्स में क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा? 3। टी वाली रो में भी 3, ओ वाली रो में भी 3। तो इसको पढ़ेंगे 33। आप लोगों को भी क्या करना है, बोल के लिखना है ना मेरे साथ। तो चलो बोलना शुरू करो और लिखना 33। लिख रहे सब, साथ में बोल भी रहे हैं, है ना? 33। हम जितने भी बॉक्स में लिखेंगे उतने बॉक्स में लिखते लिखते साथ साथ में बोलेंगे 33। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया सबका 33। ओके, तो अभी डॉट वाले बॉक्स की बारी। डॉट वाले बॉक्स में सारे बॉक्सेस में डॉट, इसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे? 3। यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आएगा? 4। 3 3 3 4, है ना? इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 4 34। 3 4 34। चलो तो अभी 34 बोलेंगे और लिखेंगे 34 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
हो गया है सबका लिखना। बाकी वाले बॉक्सेस में जो भी नीचे बॉक्सेस बचते हैं उसमें आप वीडियो के बाद लिखना। ओके चलो यहाँ पे देखो और मेरे साथ रिपीट करो, 3 3 33, 3 4 34। ओके तो ये हो गया हमारा आज का क्लास वर्क। अभी होमवर्क में सेम यही दोनों नंबर आपको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। ओके okay?